Lali? हम दोनों का सपना है ये हमारा बच्चा हो। एक और भगुआ चाहिए तो हम सोचे कि काहे नहीं वो सपना सच कर ले। देख रहे हो हमारी तरफ देखो। सही सोचे ना अच्छे लग रहे हैं ना हम। लाली तुम जरा यहाँ आराम करो। तुम्हें तबियत पी लो आराम का है कर लो। आज की रात को खास बनाने के लिए हम इतना कुछ किए और ये कह रहे हैं आराम करो। काहे का खास है आज रात में? भूल गए ना? का भूल गए? का भूल गए लाली? कुछ याद नहीं ना, कुछ याद नहीं। का भूल का गए लाली? कुछ पूछ रहे शेखर, भूल गए ना? शेखर तुम भूल गए ना? तोड़ दिया ना? Thank you.
नाली जाने किसकी नजर लग गई है तुमको लाल। तुम तो हमेशा बड़े से बड़ा मुश्किल चुटकी बजा के हल कर देती थी। तुम्हारी हिम्मत और हौसला के आगे बड़ा से बड़ा मुसीबत दम तोड़ देता था, पर आज कैसी बेबस लग रही हो। पर घबराओ मत लाली, हम हैं तुम्हारे साथ। अब हम निभाएंगे अपने पति होने का फर्ज। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान वापस ला के रहेंगे हम, इससे पहले कि वक्त हाथ से निकल जाए। अपना मुट्ठी में कैद कर लेंगे हम ई वक्त को। मैंने सोचा ना था वो हुआ है। ये छोटे ठाकुर सब कौन यहाँ पे का कर रखा है? अभी यहाँ पर हम देखे कि आपके फोटो पर कोई माला लगाए हुए था, यहाँ दिया भी जला के रखा था छोटे ठाकुर। तू ही सारी है जो हमरे कमरे में फोटो के नीचे रखा। का हो रहा तुम नहीं तो है इस जहान की हुई रौनक झूठी। आज रोशनी लहर सुगंधे तड़प बयारे रूठी। प्यार तो अब तक जाया ही है हुआ। छुटकी ठाकुर, क्या हुआ? समय यहाँ अकेले का कर रहे हैं? कुछ बात हो गई का? हाँ, का बताएं जमुनी, पता नहीं लाली का हो गया, उसकी दिन भर दिन तबीयत खराब होती जा रही। आज तो ऐसे व्यवहार कर रही थी कि हम हैरान हैं। जब हम कमरा में गए तो देखा कि कमरा सजा हुआ है जैसे कौनो ब्याह का घर हो। बहुत डर लग रहा है, हमारे मन में एक शंका आ रही है। हमको लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है हम आपको कैसे बताएं कि बोलो ना, काहे संकोच करने की कोई जरूरत नहीं है, बोलो क्या बात है। वो हमको ही लगता है कि ललिया के ऊपर कोनो जादू टोना कर दिया है। नहीं नहीं, क्या बात कर रही हो चमनी? नहीं नहीं, हम ये सब बात में विश्वास नहीं करते। हम जानते हैं छुटकी ठाकुर, आपको ये सब बात पे बिल्कुल ही विश्वास नहीं है। बाकी लाली गांव की सरपंच हो गई और ओकरे से सब लोग जलते हैं यहाँ। फिर
कोई भी ओकरे ऊपर कुछ भी कर सकता है। और आप ही बताइए, हमारी ललिया कुछ दिन पहले कितनी ठीक थी, बिल्कुल लुटपटांग बात ना ही करती थी, बिल्कुल सही सोचती थी, और एकदम से ऐसे सिद्धेश्वरी जैसन बात काहे करने लगेगी। पता नहीं का सच है का झूठ है, हम बस ये चाहते हैं कि हमारी लाली अब ठीक हो जाए, और उसके खातिर हम कुछ करने को तैयार। भगवान, पैसे नहीं लाए हो का? अब लाली को कुछ चीज की जरूरत तो नहीं ना है, हम अभी ये देख के आते हैं। भगवान, हमको डर का ये लग रहा है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जी जैन जी, हमको बहुत ही डर लग रहा है। ये कमरा तो सिद्धेश्वरी का है, इसमें आवाज कैसे आ सकती है? ये तो जब से जला है तब से ना ही खुला। बाबू, पर माई की तबीयत खराब है ना, इसलिए केवल हम और हमारा माधव।
मधु कहाँ चली गई थी हमको छोड़कर? हाँ दादी, इतने दिनों के लिए कहाँ गए थे? हम तुमरे माए के खातिर, तुमरे खातिर, हमार बबुआ के खातिर दुआ मांगने गए थे ना भगवान के दरबार पे। क्या बताएं आपको, देखा हमें कितना खुशी हो रहा है। हाँ बबुआ, बाकी ये तो बताओ हमरी वो सरपंच कहाँ है, क्या कर रही है? ठीक है, है। है बबू, कुछ छुपा रहे हो हमसे? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ। जब तुमको पता है कि तुम कभो कुछ होने नहीं छुपा सकते हमसे, तो काहे बेकार कोशिश कर रहे हो? दो क्या बताएं, खैर अब आप आ गई हैं तो सब अच्छा हो ही जाएगा। आपके जाने के बाद वही बाबूजी ने अपना तमाशा शुरू कर दिया। भरी सभा में सबके सामने देखवा का हाथ थामता हूं,